हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जीतू मिश्रा है और आज मेरे साथ अनुज है। अनुज लंबा नाम है, यही नाम है। यस सर, यही अनुज बहुत दिनों बाद आया है और अनुज की प्रॉब्लम यही वाला शोल्डर है, ये वाला शोल्डर है। पीछे से देखने में तो ये शोल्डर बहुत आगे जा चुका है। मैं दिखा देता हूँ व्यूअर्स को, उसको भी अनुज को भी समझ आएगा कि ये देखिए, एक ये शोल्डर है इसका जो बहुत आगे जा चुका है नेक लेवल से, और जिस शोल्डर में ये कंप्लेन कर रहा है वो शोल्डर तब भी काफ़ी ठीक है, पीछे की तरफ है। तो डेफिनेटली जो इसकी जो मसल्स जो अफेक्ट हो रही हैं वो है इसकी ये साइड्स की, सेरेटस इंटीरियर, जो शोल्डर को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही है। ये इसका मेजर इशू है। ऑल दो उसकी नेक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इज अ गुड बॉय, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता है, तो नेक का एक्सेस इसके शोल्डर के एक्सेस के साथ काफ़ी कुछ मैच कर रहा है। लेकिन जो ये है, और धीरे धीरे पहले इसके साथ पहले भी था, ऑलवेज था, अब थोड़ा सा ज़्यादा दिखने लग गया है। उसकी वजह से इसके आर्म स्वीप जो एब्डक्शन है देखिए रुक गया है। इससे ज़्यादा इसके लिए जाना पॉसिबल नहीं, राइट? स्ट्रेच हो रहा है, ज़्यादा करो और ट्राई करो। इसके फिर वो जाएगी, पीछे लॉक हो गया ना। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे लॉक हो गई, लॉक हो गया है ना। वो उसी का रीज़न, ये आगे चला गया कि ये मसल, चेस्ट की मसल छोटी हो गई है। तो आपको क्या करना है, पैरेलल बार डिप्स करना है, बहुत ज्यादा फ्लाइज करनी है केबल से या डंबल से, ताकि ये एक्सपेंड करे और शोल्डर पीछे जाए। ठीक है, और उसके करने से इसकी सेकंड फंक्शन है, आपकी शोल्डर की विड्थ भी इंक्रीज होगी। राइट। तो अनुज, मैंने बहुत बोल दिया, आप बता दो। सो आई एम ऑल्सो इन टू फिटनेस एंड so I work out a lot, at least 4 hours a day, and so we always have to keep ourselves repaired, like machinery ko repair ki zarurat hoti hai, hame bhi zarurat hoti hai. To main aaj bahut time hua repair ke liye aaya hu apne paas, Jeetu sir ke paas. So I was in bad pain since few days in my hand. I was not able to lift my hand and I was not able to hold my phone even. I was struggling and I called sir ki sir mujhe therapy chahiye, and so I just had my cupping and healing, and I'm and good, release also. And release also, yeah. My back and calves and lower back, calves and my shoulder was not performing well. So it's, I'm feeling good now, and yeah. And whenever I come here, after going home, I sleep and I recover and I perform better. But he has been in very good shape, but क्योंकि हमारा काम कुछ ना कुछ improve करने का ही रहता है, तो हम जितना improve करेंगे उतना better रहेंगे। अब ये देखते हैं इसकी, मैं adjustment करीब 6-8 महीने बात कर रहा हूँ, last October November के आसपास आया था, right? Yes. या December के आसपास ले जाएंगे। On your stomach. Yes. Easy. Relax. Breathe out. बहुत स्टिफ हो गई है बैक, टेंड करेंगे तो ज्यादा रेगुलरली आने की जरूरत है। करवट ले लो मेरी तरफ। नहीं चल रहा, पांच सीधा मोड़ेंगे। रिलैक्स, इजी उस तरह। ये आज स्टिफ ही स्टिफ है, उसको रिलाइज हो रहा है। आज के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा ले रहा है। इजी स्ट्रेट सीधा। Easy. Relax. Oh. Good now. Can I sit? Yeah. अब ये देखो कि हमने अब तक YouTube पे 450 से ज्यादा वीडियोज बना लिए हैं। अब आप वीडियो में पहली बार आ रहे हो, 450 वीडियोज आपके बिना, एक छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप है आपकी बस। I know, and you know I'm the oldest one. हाँ, you're the oldest one. सब जो छोटे से छोटी क्लिप को स्टार्टिंग की है, जो आपने YouTube चैनल शुरू भी नहीं किया था। I'm with you since then. Yes.
आप सबको भी अगर सिमिलर ना भी हो तो भी आ सकते हो, और किसी को दर्द हो रहा हो, किसी को कोई रिकवरी की इश्यू हो, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप सब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अनुज से कांटेक्ट कर सकते हैं। अनुज का इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? एथलेटिक अनुज। एथलेटिक अनुज, एंड ही इज एक्सट्रीमली गुड ट्रेनर। ये मेरा मुझे भी एक्सरसाइज कराता था जब तक ये फिटनेस फर्स्ट में आता था। अब आ जाओ, अब तो कल में आ सकते हो। सो इज अ ग्रेट गाय, ही हैज अ ग्रेट फॉलोइंग। आप सब भी फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आप अनुज से पूछ सकते हो, और रिकवरी से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।